इसी श्रृंखला में आग्रह करूंगी डॉक्टर अलका स्वामी मैम से, डीन मानव मूल्य शिक्षा बीटीयू, कि आप यूएचवी कार्यशाला की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। अलका मैम। धन्यवाद सरोज मैम। मैं माननीय चेयरमैन यूजीसी आपकी तथा माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से आपके सामने बीटीयू ने अभी तक जितने मानवीय मूल्य के लिए प्रयास किए हैं, इस शिक्षा के लिए जितने प्रयास किए वो रखना चाहूंगी। अप्रैल 2018 में जब ये बीटीयू एस्टैब्लिश हुई तो माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने वैल्यू बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन का संकल्प लिया। जैसे माननीय कुलपति महोदय ने अभी बताया कि बच्चा ये शिक्षा परिवार से लेता है और समाज से भी लेता है, लेकिन यदि वहाँ कुछ बच जाए तो माननीय कुलपति जी ने इस बात को बहुत गहराई से समझा कि वो शिक्षा की जिम्मेवारी है कि जो बच जाए वो शिक्षा सिखा दे। और इसको ध्यान में रखते हुए आपने मानवीय मूल्य की शिक्षा को बीटीयू के सभी कार्यक्रम जो जितने एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उनमें शामिल किया, जैसे बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए आदि सभी में, जिससे बीटीयू से निकलने वाला हर विद्यार्थी अपनी जिम्मेवारी को समझकर समाज में जब जाए तब अपनी सही भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। और हैप्पीनेस और हार्मनी पर आधारित इस कोर्स में स्टूडेंट को हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि मानव के जीने का चार स्तर है और वो यदि सुख और समृद्धि से जीना चाहता है तो उसे अपनी व्यवस्था को समझना है, जिस परिवार में वो जी रहा है उसकी व्यवस्था को समझे, समाज को समझे, प्रकृति को समझे। जब वो यहाँ तक सब समझ जाए तब वो ये इस व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरित होता है और जीने के लिए उसकी निष्ठा बनती है। तो हम इस पूरे करिकुलम में बच्चों के साथ ये बात शेयर करते हैं। जैसे माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि जब तक टीचर खुद इस विषय को गंभीरता से न जाने, इस विषय को अपने आचरण में ना लेकर आए, तब तक ये विषय बच्चों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अभी तक इस तरह की 8 दिन की कठिन कार्यशालाएं आयोजित की, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक शिक्षक जितने हैं जो प्रशिक्षित हैं वो उन्होंने एक बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन के गाइडेंस में इस पूरे विषय को समझा, इसको ये समझा कि हमें अपने जीवन में इसको कैसे लाना है और विद्यार्थी तक इसको कैसे पहुंचाना है। तो सर अभी आप जितने पैनलिस्ट में हमारे जितने लोगों को आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स, आप सभी इसी कार्यशाला से गुजरे हुए हैं। और ये जो हमारी पूरी सर अभी जो स्क्रीन पे टीम का जो नेम्स आ रहे हैं, ये हमारी इस कोर टीम के सारे सदस्य हैं जो पिछले 1.5-2 महीनों से ये जो अभी कार्यशाला चल रही है इसके लिए पूरे डेडिकेटली काम कर रहे हैं। और सर ये मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष है कि ये सभी लोग बिना किसी मानदेय, बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट की उम्मीद से स्वप्रेरणा से इस समाज में अपनी इस भागीदारी को समझते हुए इस काम से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सर यूनिवर्सिटी ने और भी बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे यूनिवर्सिटी ने एक सेपरेट फैकल्टी ऑफ ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन इस्टैब्लिश की है और उसके अंडर में 5 नोडल सेंटर्स इस्टैब्लिश किए हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के सभी कॉलेजेस को इस फैसिलिटेट करते हैं इस पूरे काम को आगे बढ़ाने में। और एक हर एक कॉलेज में, हर एक एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर हमने एक वैल्यू सेल इस्टैब्लिश किया है जिससे हर बच्चा अपने टीचर से डायरेक्टली इस वैल्यू सेल के थ्रू जुड़ सके। और इसके साथ ही ये चीज भी समझी गई कि चूंकि ये जो विषय है ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, हालांकि पूरी टेक्निकल एजुकेशन इंग्लिश में है, लेकिन एक बहुत अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए हमने इस विषय को हिंदी में बच्चों के लिए अलाउ किया है कि बच्चे इस एग्जाम को हिंदी में भी लिख सकते हैं। और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे पास आया है कि बच्चे इसको समझ के बहुत अच्छा एक्सप्रेशन अब एग्जाम्स में कर पा रहे हैं। इसके साथ ही सर एक डिसीजन और लिया गया कि चूंकि ये विषय ऐसा है कि समझने वाला है और जब तक ऊपर से ये बात शुरू होकर नीचे तक ना जाए ठीक से तब तक ये सब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वर्कशॉप प्रिंसिपल, डायरेक्टर, डीन्स के लिए चलाया जिसमें सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के डायरेक्टर, डीन्स, प्रिंसिपल शामिल हुए। और ऐसा ही एक वर्कशॉप अभी चेयरमैन के लिए भी आयोजित किया गया AICT द्वारा। और इसका सर फायदा हमको ये हुआ कि अब इस काम की गति बड़ी तेज हो गई है और ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन की तरफ से जाने वाले हर संदेश को
हर कॉलेज इतना सीरियसली और इतना डेडिकेटली लेता है कि वो इस काम के लिए अपने जो शामिल हुए हुए जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट दे रखा है, वो पूरी तरीके से इस निष्ठा से इस काम को यहाँ कर पाए, उसके लिए कॉलेज उनके साथ बिल्कुल सहयोग कर रहा है। तो ये काम हमारा काफ़ी तेज हुआ इस काम के बाद। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस लॉकडाउन के टाइम में भी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहने का प्रयास किया ह्यूमन वैल्यू सेल के थ्रू, और हमने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ऑनलाइन मैंडेटरी वर्कशॉप एक आयोजित की, जिससे बच्चे इस वक्त घर में रह के अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस विषय को सुन सके, और न केवल बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी ये जान सके कि ये जीवन से जुड़ा हुआ विषय कितना इम्पोर्टेंट है और बच्चे किस डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी की गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि जो फीडबैक सेशन में जब हमने बच्चों से बात की तो बहुत सारे पेरेंट्स ने भी अपने फीडबैक दिए और बहुत एनकरेजिंग फीडबैक थे, उन्होंने भी महसूस किया कि यूनिवर्सिटी जो ये काम कर रही है ये पूरे समाज के लेवल पे बहुत अच्छा काम हमारा हो रहा है। और इसके अंतर्गत सर अभी तक हमने 3,000 विद्यार्थियों को ट्रेन कर दिया है और हमारा लक्ष्य 5,000 विद्यार्थियों और उनके परिवारों तक पहुंचने का है। माननीय बीटीयू पूरी निष्ठा से इस कार्य में जुटा हुआ है और आने वाले समय में इस कार्य को समाज के विभिन्न स्तरों तक ले जाने के लिए भी प्रेरित है। आपके आज हमारे साथ जुड़ने से इस प्रोग्राम में प्रोग्राम की पूरी टीम, बेटियों की पूरी टीम और हमारे स्टूडेंट्स का बहुत हौसला बढ़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि समय समय पे आप अपना मार्गदर्शन हमको देते रहेंगे। और अंत में मैं आपको हमारे लिए ये समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरोज मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद मैम।